नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। दिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा सम्मान व स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेज 4.0 के तहत हुए जागरूकता कार्यक्रम में पहुंचे आईजी जोन कानपुर प्रशांत कुमार। प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा सम्मान व स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेज 4.0 के तहत आज आईजी जोन कानपुर प्रशांत कुमार ने सदर कोतवाली औरैया में स्थित दुर्गा पंडाल में मौजूद लोगों को मिशन शक्ति अभियान के संबंध में जागरूक किया। इस दौरान बच्चों के द्वारा बाल विवाह, भ्रूण हत्या, बेटियों की शिक्षा आदि को लेकर जनता को जागृत करने के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया और इस दौरान आईजी जोन कानपुर प्रशांत कुमार के साथ पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम, अपर पुलिस अधीक्षक दिगंबर कुशवाहा, क्षेत्राधिकारी सदर महेंद्र प्रताप सिंह सहित मौजूद अन्य अधिकारियों समेत लोगों ने भी बच्चों की प्रस्तुति को सराहा। देखिए औरैया से दिलीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस बीट प्रणाली के माध्यम से आप सभी को जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें अगर कभी भी कोई समस्या आ रही है, जैसे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनके बीच में, उनके परिवार में, उनके जान पहचान में अगर कोई महिलाएं ऐसी हैं जिनके बच्चों को बाल कल्याण योजना में रजिस्टर कराना है, जिनमें किसी वृद्ध व्यक्ति को वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाई है, रजिस्टर कर चुके हैं या रजिस्टर करना चाहते हैं, या विधवा कोई महिला है उनके परिवार में, उनमें से कोई जिसको रजिस्टर कराने में कोई समस्या आ रही है, या कोई भी अन्य ऐसी योजना जो सरकार की है जिनमें कि आपको लगता है कि आपने प्रयास किया, आप नहीं उस तक पहुंच पाए और उसका लाभ आप उठा पाए और आप उसके पात्र हैं, तो हमारी महिला बीट प्रणाली के माध्यम से महिलाएं, महिला कर्मी, आप ही के बीट की महिला कर्मी आपसे लगातार मिलेंगी, मिल भी रही होंगी। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी लोग उनके नाम भी जानने लगेंगे, धीरे धीरे उनके नंबर भी जानने लगेंगे और उनके ग्रुप से भी जुड़ेंगे और उनको ये मौका देंगे कि ये सब सुविधाएं जो सरकार की हैं, अगर आप उनके लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो उनके माध्यम से, उनकी मदद से उनका लाभ उठाएं। इसी के साथ मैं अपनी टीम को आपके बीच में छोड़ के जाऊंगी और आप लोगों से चर्चा करेंगे, मिशन शक्ति के बारे में और बताएंगे। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल माता रानी का जागरण आपका बहुत अच्छा रहे और अच्छे से। के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।